हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपडेट 24x7 में, और आज हम आए हैं बंडा ग्राम सभा की रामनगर कॉलोनी में, और यहां जानेंगे जनता से क्या है उनकी राय 2022 इलेक्शन को लेके, और जानेंगे जनता की समस्याओं के बारे में। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? रावण रेड्डी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है आवास योजना नहीं मिल रही है। और क्या समस्या है? गली नहीं बन रही है। अच्छा, हाँ। तो अब आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? कोई नहीं, अभी तक नहीं मिलो। शौचालय वगैरह कुछ मिला? अरे शौचालय तो मिलो ही है, लेकिन वो और इंतजाम कुछ नहीं मिलो। तो अब की बार किसको आप वोट देना चाहेंगे, अखिलेश यादव को या अपने ज्यादा वोट की योगी? आगे की रही है मर्जी, हो देगा वोट नहीं। नहीं तो आपको कोई प्रधान द्वारा, अपने आप जो प्रधान है उनके द्वारा कोई लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं मिला, इस गली में कोई लाभ नहीं है। अब देख ले जाए कि अपने आप बनाए रहे हैं गली, लेकिन निकले। अच्छा, आयो आओ माँ। तो उसमें जो है आगे बताओ, आगे किसको वोट करेंगे? अपने जो विधायक जी हैं चेतराम, वो कभी आए यहाँ देखने? कभी नहीं आए, कभी नहीं, चेतराम कभी नहीं आए। कोई लाभ मिला उनको? कोई लाभ नहीं मिलो। अच्छा, ना। तो आप ये बताओ कि आगे जो चुनाव आ रहा है 2022 में, एक दो महीने बाद, इसमें आप किसको चुनेंगे? यातावाद की बात है भाई, जो काम बढ़िया करी उसे चुन ली। नहीं, चुनना तो आपको ही है। हाँ, चुनना आपको ही है। तो आप जो है आपको ही करना है। आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है? अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं या आपको जो है अपने योगी जी अच्छे लगते हैं? सरकार का कि मतलब हमें तो अखिलेश के हिसाब से वाले वो सब कुछ सही मालूम हो। अखिलेश यादव ने काम किया? क्या हम करो। और अपने बाबा जी ने? बाबा जी ने का करो, सब गैया छुड़वा दिया करो, सब गेहूँ और सब खाया जाते हैं। अच्छा, बाबा जी ने का करो, बाबा यहाँ झगड़ा चल रही, कोई देखभाल नहीं है? कोई देखभाल नहीं है, कोई कोई सरकारी आदमी उतर ना देखनता है यहाँ। अच्छा, आपकी रोड ही है? रोड भी नहीं, कोई देखना उधिया। अच्छा, आवाज आवाज कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिलो है, देख लो सब टूटी झोपड़ी पड़ी है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये आपका ये मकान? हाँ, हमारा ही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? बसंत कुमार। अच्छा, ये बताइए कोई योजना का लाभ मिला आपको सबको? नहीं, अभी कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे आपकी बार? वोट आप जिसे बताएं कर देंगे, लाभ तो मिले आपको, लाभ मिले आपको जैसे अखिलेश सरकार में लाभ मिला हो। अभी हमें किसी सरकार से लाभ मिले ही नहीं, कोई लाभ मिले ना। अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा तो अब करेगा वही, अभी किसी ने किया ही नहीं। अच्छा तो हम किसको बताएं, हमारे लिए तो किसी ने अच्छा किया नहीं अभी। अच्छा, आपके लिए किसी ने अच्छा नहीं किया? हाँ, जब करेगा तब हम कहेंगे अच्छा उसको। तो समस्या तो काफ़ी है लोगों के आगे ना, सांडों की समस्या है, आवारा पशु जैसे घूम रहे हैं लोगों की। वो है, लेकिन लोग रास्ता है, आवास है, इसकी तो समस्या है। आवास आपको मिला नहीं है? कोई नहीं, किसी को नहीं। विधायक जी आए कभी यहाँ? यहाँ कहाँ, कभी नहीं आए। और अपने यहाँ जो चेयरमैन जो प्रधान है पहले, अभी तो चेयरमैन होने जा रहा है, प्रधान आए कभी? ना ना, प्रधान जब से वोट आए हैं, वोट डालता तब से प्रधान देखन नहीं आए यहाँ। अच्छा, चाहे डूबाई और चाहे मर जाए कुछ हो, प्रधान लगा कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो काफ़ी समस्याएं हैं आप लोगों के सामने। हाँ, काफ़ी समस्या है, और ये समस्या अगर हल करीजिए तो वोट दो जी, ना करीजिए तो वोट ना दो जी। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है भैया? हमारा संजय गुप्ता। हाँ, तो बताइए क्या दिक्कत है? हमारी यही दिक्कत है, गैलरी की और कोई दिक्कत नहीं है। रोड है आपकी? ये रोड? हाँ, ये बनी नहीं है रोड? कुछ नहीं बनी, ना मट्टी पड़ी ना कुछ भी, यार निकल रहे हैं यहाँ मिस्त्री की जगह से निकल रहे हैं। कितना समय हो गया? लमसम 20 साल से। कॉलोनी बने हुए कितना समय हो गया यहाँ? कॉलोनी लमसम 20 साल से, 20 साल से ऊपर हो गया। मतलब 20 साल से ऊपर हो गए, यहाँ कोई देखने नहीं आया? 20 साल से कोई देखने नहीं आया यहाँ। 20 साल से हम रह रहे कोई? 20 साल से यहाँ कोई अगर देखना हो तो सबके आवास बने होते, सब कुछ हो तो, लेकिन ना यहाँ पर कोई सूचना न नहीं, ना कोई नल वगैरह लगो है, ना कोई रोशनी का प्रबंध है, और ना कोई चीज़ का प्रबंध है यहाँ, यहाँ का है। तो आपने 20 साल हो गए अभी यहाँ पर, कभी किसी को आपने कोई सूचना दी है प्रधान को या किसी को आपने कभी? सूचना का कि हिंद है, सब फोटो खींच खींच ले गए, पानी में खड़े रहे, कहूँ ना भैया कुछ हुआ हो तो अब का ही प्रधानी हो चुकी है, कोई अभी तक देखना ही नहीं, आप वोट नहीं चक्कर मार रहे हैं। किसानों के आगे बहुत समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, समस्या बहुत ज्यादा किसान परेशान है, रात में जगता है, लगाओ लगाओ नहीं, रात में आदमी मतलब तसल्ली से अपने घर में नहीं लेटता, बहुत तकना दुखिया है, रो नहीं रहा। इनमें भी वही समस्या, वही समस्या दिन में है, वही रात में है। तो यही समस्याएं जो है बहुत ज्यादा है किसान के आगे,
और जहाँ समाधान करो जाए इसको। अब समाधान क्या होगा? आपके यहाँ कोई गौशाला बना है? कोई नहीं है गौशाला। योगी जी ने तो कहा था कि मतलब हर जगह गौशाले बनेंगे। यहाँ कोई गौशाला के लिए कोई प्रोग्राम है ही नहीं। कोई गौशाला बनवावे तो मालूम हो सुनासरनाथ पर है, वहाँ कोई जाते ही नहीं। अब होने गई है बहुत परेशान है, भूखी लंगी मरी जाती है। कहीं इंतजाम नहीं है? गौशाला जहाँ है वहाँ भी कोई जो है गाँव गाँव का कोई चारे का प्रबंध नहीं है? कोई प्रबंध नहीं है। तो बड़ी समस्या है। और यहाँ अपने आस पड़ोस में कहीं भी गौशाला है? कहीं नहीं है। अच्छा, तो ये गाय कहाँ जाएंगी? अब मतलब ऐसे छुट्टी छुट्टी घूमती हैं, खाती पीती हैं, आदमी डंडिया हो तो गिर जाती मर जाती, क्या करो जाए, मजबूरी है। आदमी रात रात रखाओ, दिन में रखाओ तो रात में रखाओ तो कोई टाइम चैन ही नहीं है। अब ये तो समस्या है ही, लेकिन आप वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ कोई प्रबंध नहीं है ना? कोई प्रबंध नहीं है गौशाले में, कुछ कोई प्रबंध नहीं है गांव का, कोई चारे के प्रबंध नहीं है, कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है? कोई नहीं। तो वहाँ कोई अधिकारी वगैरह कोई जाते नहीं? कोई कहूँ गौ नहीं हुई। अब गौ हो तो जाते नहीं होती, राह गोरू सब परेशान है। तो वहाँ सब अपनी मनमानी चला रहे हैं? सब मनमानी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। राम दुलारे। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या बहुत गरीब भैया है। नहीं, क्या समस्या है? मतलब कोई योजना का लाभ मिला है आपको? सरकारी योजना का कोई लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? हाँ, 2 साल हो गया। 2-3 साल हो गया, 3 साल। लेकिन ये रोड जो है बहुत बेकार है यहाँ की, अभी तक कोई रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है, कच्ची रोड पड़ी है। और कुछ आवास वगैरह कुछ मिला आपको सरकार द्वारा? कुछ ना मिला जी। अबे गेहूं तक ना मिलती है, ना चावल, कुछ ना मोल खाद। अच्छा, आपको गल्ला भी नहीं मिलता? हाँ, गल्ला भी नहीं मिलता। तो आपने को अच्छा समस्या है आपके? अरे कॉलोनी का सुनाई बनी है। थोड़ा तेज बोलो। कॉलोनी नहीं बनी और रोड वोट वह नहीं बनो है। अच्छा, आपको कोई कॉलोनी आवास वगैरह कुछ मिला नहीं? कछु शौचालय कछु नहीं मिला। अच्छा, आपका मकान यही है सामने? हाँ, यही है। अच्छा, और बताइए किसको वोट करेंगे आपकी बार 2022 में? अब बताओ, जिसे करें बताओ। नहीं, वोट तो आपका है, आप बताएंगे, आप चुनेंगे किसको वोट करेंगे किसको नहीं। हमें हमारा काम कुछ नहीं, हमारा काम तो पूछना है। तो जो हमारी कॉलोनी बनवाई उसे दी है और का। अच्छा, कॉलोनी ऐसे थोड़ी कोई बनवाएगा आपके यहाँ? जैसे कोई प्रधान अभी यहाँ कॉलोनी में आपके आए हैं? अभी कहाँ, कोई बात नहीं। आपके अपने जो विधायक हैं वो कभी आए देखने? नहीं, कछु नहीं आए, कोई नहीं है देखना है। अपने बीजेपी से चेतराम जी हैं, वो आए कभी? नहीं, नहीं आए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अरे हम का कहना चाह, कानूनी बनवा बनाई और का सबके और का। आपको लाभ कुछ नहीं मिला? ये रोड जो है कितने सालों में आपको रहते हैं यहाँ? हो गए कम से कम 8-9 साल ही गए। साल लाभ कोई नहीं मिला आपको? पशु नहीं मिला। बंडा ग्राम सभा से किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। तो आप किसको वो आपकी बार जो है वोट करेंगे ये बताओ? अब आई थे नहीं, योगी जी को कितने नंबर देंगे? योगी जी को जो हमारी बनी तो दी ही भाई और का। नहीं, अखिलेश यादव को वोट करेंगे कि योगी जी को करेंगे, किसको करेंगे? बताओ भाई, सब दे दी हमारी कॉलोनी बने। कॉलोनी जो है वोट दी तो दी एक एक वोट। हाँ बताओ। पूरी कॉलोनी जो है वोट दी एक एक। अच्छा। हाँ नहीं, आप कोई विकास हुआ है तुम्हारे यहाँ? कोई विकास नहीं है। ना। तो आप उसी हिसाब से आप अपना आप जो विकास कराई है उसका एक वोट दी, कोई विकास करा भाई। विकास होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। कॉलोनी में यहाँ आवास मिलना चाहिए और रोड बनना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को लाभ तो नहीं मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं है। प्रधान देखन तक ना आए रहे। 10 साल रहे प्रधान जी, आए कभी?